जिसमें लाही इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटो लुमिनिस्स उससे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लोरिसेंस और कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में फॉर एक्जाम्पल अगर हमारे पास एक हेट्रो आइटम है लुमिनिसेंट मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है तो क्या होगा कि ट्रांजिशन जब होगी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में तो वो यकीन होगी एंड टू पाई स्टार ट्रांजिशन ठीक है एंड टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन होगी अगर आइटम लगा है इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नॉन बॉर्निंग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट एक्साइटेड टू अ पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल ये वही बात ऊपर वाली की है कि अगर हैट्रो आइटम प्रेजेंट है अगर हैट्रो आइटम अगर प्रेजेंट होगा लमुनिस एंड के अंदर ही तो क्या होगा कि जो एक्साइटेशन होगी ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा तो वो क्या ट्रांजिशन होगी एंड से फाइव स्टार ट्रांजिशन की के यूज में आ सकता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज एसोसिएटेड विद हेड्रो एटम कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आइटम के साथ एसोसिएट है कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर तो वो एक्साइट होगा पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल में फिर हम मोर ऑब्जॉर्बिविटीज़ एसोसिएटेड विद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन आर यूजली रिलेटिवली स्मॉल इन कंपेरिजन विद ऑब्जॉर्बिविटीज़ एसोसिएट विद पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बिकॉज नॉन बॉन्डिंग एन ऑर्बिटल डू नॉट ओवरलैप विद पाई स्टार ऑर्बिटल एज मच एज पाई ऑर्बिटल्स डू अब देखो उन्होंने क्या कहा है? इसमें कि जो मोलर एबजॉर्बिविटी है ठीक है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर हम बात करें ना तो उसकी मोलर एब्जॉर्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यानी जो एबजॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल जो एनर्जी एबजॉर्ब करेगा जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा एन से पाई स्टार में जाने के लिए वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू दैट एब्जॉपन वो पाई से पाई स्टार में जाना को चाहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें सी डबल बॉन्ड ओ है ना वो तो क्योंकि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड तो सी ये यहाँ पर ट्रां ट्रांसफर जो होगा वो एन से पाई स्टार में होगा अब जब एन से पाई स्टार में जाएगा तो जो जितनी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है वो जितने फोटोन्स ऑब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू जो है मोलर एब्जॉर्टिविटी जो है वो स्मॉल होगी लेस देन थाउजेंड था। होगी अगर हम कंपेयर करें पाई से पाई स्टार जाने वाले मॉलिक्यूल की ऑब्जॉर्टिविटी के साथ ठीक है क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप नहीं करता पाई स्टार के साथ जिस तरह से पाई पाई स्टार के साथ ओवरलैप करता है ठीक है मोलर एब्जॉर्टिविटी दोबारा सुन लें एन से पाई स्टार की और अगर हम पाई से पाई स्टार की मोलर मोलरिटिब्ज़ॉर्टिविटीज़ को कंपेयर करें तो पाई से पाई स्टार की मोलर एब्जॉर्टिविटी ज़्यादा होती है ग्रेटर देन हंड्रेड होती है अच्छा ये हमसे क्यों ना थोड़ा सा घुमा के भी आ सकते हैं किस तरह से कि यहाँ पर उन्होंने कहा लेस देन थाउजेंड होती है एन से पाई स्टार की वो आपसे पूछ सकते हैं पाई से पाई स्टार की कितनी होती है थाउजेंड लेस देन थाउजेंड मोर देन थाउजेंड तो वो मोर देन थाउजेंड होगी पाई से पाई स्टार की मोर देन थाउजेंड और एन से पाई स्टार की लेस देन थाउजेंड होगी ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्यों होता है ऐसे क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है एन ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप नहीं कर पाता पाई स्टार के साथ जिस तरह से ओवरलैप करता है पाई पाई स्टार के ऊपर ठीक है अब उन्होंने कहा कॉन्सिक्वेंटली लेस फ्लोरिसेंस जनरली इज ऑब्जर्व फॉलोइंग एक्साइटेशन बाय एन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देन इज ऑब्जर्व फॉलोइंग एक्साइटेशन बाय पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अब उन्होंने कहा है कि अगर हम कंपेयर करें ना क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती एन से पाई स्टार में तो एन से पाई स्टार में फ्लोरिसेंस भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आती जितनी अच्छी नज़र आती है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी होती है अब अगर हम बात करते हैं अपने मेजर टॉपिक की जो हमारा बेसिकली है आज तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोलिमिनसेंस फोटो लिमिसेंस इज फेवर्ड वन दब्जॉर्प्शन इज एफिशिएंट हाई एब्जॉर्प्टिविटी जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा फोटो लिमिनीसेंस होगी अब फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड वेन कब कब फेवर्ड होगी फ्लोरिसेंस कब कब फेवर्ड होगी तब अनर्जेटिक डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट इज रिलेटिवली लार्ज जब एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट के दरम्याण में और ट्रिपलेट स्टेट के दरम्यान में डिफरेंस ज़्यादा होगा इसका क्या मतलब है अगर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के दरमियान और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के दौरान डिफरेंस ज़्यादा होगा ना तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के चांसेस कम से कम होंगे और जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के चांसेस कम से कम होंगे इसका मतलब है मॉलिक्यूल तो जो है वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं जा सकेगा और जब ट्रिपलेट में नहीं जाएगा तो फॉस्फोरिसंस नहीं होगी बल्कि फ्लोरिसंस ही होगी ठीक है क्योंकि कब होती है फ्लोरेसेंस कब नहीं होगी फ्लोरेसेंस अनफेवरेबल कब होगी जब डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी स्पिन को चेंज करेगा और भाग जाएगा ट्रिपलेट के अंदर जैसे वो ट्रिपलेट में जाएगा तो वो फिर फॉस्फोरेसेंस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर उन्होंने कहा एनर्जेटिक डिफरेंस जो है एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होना वो ज्यादा होना चाहिए एक्साइटेड सिंगलेट के दरम्यान में और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के दरम्या में तो क्या होगा कि फिर फ्लोरिसेंस ही होगी मॉलिक्यूल जाएगा नहीं इधर उधर और फिर आराम से फ्लोरिसेंस के थ्रू ग्राउंड स्टेट पर आएगा सेकेंड पॉइंट क्या है कि द अनर्जैटिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इज सफिशेंटली लार्ज टू प्रिवेंट अप्रिशिएबल रिलैक्सेशन टू द ग्राउंड स्टेट बाय रेडिएशन लेस प्रोसेस अब उन्होंने कहा है कि दूसरा क्या है हमने पहला का एक्साइटेड सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के दरम्यान में फ़र्क होना चाहिए ठीक है लार्ज होना चाहिए डिफरेंस अब यहाँ पर सेम हमने कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के दरम्यान में जो एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट थी यानी अगर ऊपर चला भी गया वहाँ से वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करता हुआ वो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर आ गया वहाँ से ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस ज़्यादा हो ऐसा ना हो कि छोटे छोटे वाइब्रेशनल लेवल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो क्योंकि अगर वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट होंगे तो वो बारी बारी एक एक स्टेप करके जैसे सीढ़ियाँ प्रेजेंट होंगी तो वो सीढ़ियों के थ्रू वाइब्रेशन लेवल्स के थ्रू एक एक स्टेप लेके नीचे आता रहेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ होती रहेगी रेडिएशन लेस प्रोसेस के थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बेसिकली इज़ा रेडियशन लेस प्रोसेस ना तो रेडियशन लेस प्रोसेस के थ्रू तो उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी और फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी फ्लोरिसेंस का प्रोड्यूस होगी जब वो ऊपर छत से छलांग लगाएगा नीचे जब वो ज़मीन पर आएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से छलांग लगा के ज़मीन पर आएगा तो इतना फासला होना चाहिए में कि उसकी फ्लोरिसेंस नजर आ सके ठीक है तो ये बात हुई है सेकेंड पॉइंट में उसके बाद है फॉर्सफोरिसेंस इज़ फेवर्ड वेन अब बात आ रही है कि फॉस्फोरिसेंस कब फेवर है तो ये ऊपर वाले का उल्टा कर लो जब फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के दरम्याण में और फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट के दरम्या में डिस्टेंस कम हो ठीक है अनर्जेटिक डिफरेंस कम हो एनर्जी का डिफरेंस कम हो तो क्या होगा जब एनर्जी का डिफरेंस कम है आराम से छलांग लगा के दूसरी साइड पर आ जाएगा और फॉस्फोरेसेंस करेगा ठीक है फिर क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन फ्राम द ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इज़ लो कि जब रेडियशन लैस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ना हो यानी दरमियान में रेडियशन लैस ट्रांजिशन ना होना शुरू हो जाए ट्रिपलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के दरियान में ये सेम वही जो हमने ऊपर बात की सेकेंड वाले पॉइंट में उसके बाद है एनी फिजिकल और केमिकल फैक्टर दैट कैन इफेक्ट एनी ऑफ द ट्रांजिशन कैन अफेक्ट द फोटो कोई भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर जो इफेक्ट करा है ट्रांजिशन को ठीक है ट्रांजिशन को जो इफेक्ट कर रहा है वो इफेट करेगा फोटो को बेसिकली फिर है कि डीज फैक्टर्स इनक्लूड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टेम्परेचर सॉल्वेंट पी एच डिसोल्व ऑक्सीजन अब इन चार पाँच के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे हम पीछे पिछले लेक्चर में भी हम ये डिस्कस करके आए हैं लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ा था अब पहला आ गया इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी अब स्ट्रक्चरल रिजिडिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा तो हम बात करते हैं कि फोटोलिमिनसेंट कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एनर्जैटिक लेवल जो हैं वो फेवर करते हैं डी एक्साइटेशन बाई एमिशन ऑफ यू वी विजिबल रेडिएशन ठीक है यानी कि Uh, जो फोटोलिमिस कम्पाउंडस हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कहते हैं कि जब डी एक्साइटेशन हो ना तो फ्लोरेसेंस हो ठीक है यानी कि तो लाइट इमिट हो तो हमें कुछ नज़र आए कोई इंटेंसिटी उसकी पता लगे ठीक है बजाय इसके कि वो नॉन नॉन रेडिएशन या फिर कह सकते हैं कि रेडिएशन लेस प्रोसेस के थ्रू या वाइब्रेशनल लेवल्स के थ्रू वो बारी बारी करके नीचे आए इससे बेहतर होता है वो चाहते हैं कि वो जंप करे और वो ग्राउंड स्टेट पर आए ताकि हमें एक स्पार्क नजर आए ताकि हमें एक लाइट नजर आए लुमिनिशेंस नज़र आए ठीक है तो फोटो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इन विच द एनर्जेटिक लेवल इन द कंपाउंड फेवर डी एक्साइटेशन बाय द इमिशन ऑफ यू विजिबल रेडिएशन वो चाहते हैं कि इमिशन हो यू वी विजिबल रेडिएशन की देन बाय लॉस देन बाय लॉस ऑफ रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी इससे बेहतर है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल किस्म की एनर्जी जो है वो उसका लॉस हो वो ये नहीं चाहते कि लॉस हो जाए एनर्जी वो चाहते हैं कि वो यू वी विजिबल लाइट नजर आए स्पार्क नजर आए जंप करे मॉलिक्यूल फिलहाल फ्लोसनिंग एंड फर्स्ट फ्लोरिसिन हैव यूज रिंग रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर उनका रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ठीक है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है फिर है द क्वांटम एफिशंसीज फॉर फ्लोरिन एंड आर नियरली वन एंड टू वन एंड जीरो पॉइंट टू रिस्पेक्टिवली अंडर सिमिलर कंडीशन याज टू कॉज मोर रिजिडिटी अब उन्होंने कहा है कि देखें फ्लोरिन जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फ्लोरिन और बायोफिनाइल है दोनों हैं इनकी रिजिडिटी क्या है ए फोरन की है वन और बायोफिनाइल की है ज़ीरो पॉइंट टू अब क्यों है कि सेम कंडीशन है लेकिन सी एच टू जो है दरमियान में लगा हुआ है तो देखें अगर हम सी एच टू रिमूव कर दें फ्लोरिन के अंदर से तो बेसिकली ये बायोफिनइल बन जाता है लेकिन बायोफिनइल में रिजिडिटी देखें कितनी है जीरो पॉइंट टू लेकिन सी एच टू जो लग गया है दरमियान में फ्लोरिन में तो यहाँ पर रिजिडिटी जो है वो हो गई वन तो बेसिकली यहाँ बताया गया कि सी एच टू ने क्या किया सी एच टू ने उसकी रिजिडिटी को इंक्रीज़ कर दिया तो अगर यहाँ पर पूछा रहा है कि भाई बायोफिन बिटवीन बायोफिनइल एंड फ्लोरिन विच वन इज़ मोर रिजिड तो आप बताएंगे कि भाई फ्लोरीन इज़ मोर रिजिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी एच टू इन बिटवीन उसके बाद हमारे पास द रिजिट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी कि जितना रिजिड मॉलिक्यूल होगा ना जितना कॉम्प्लेक्स जितना कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होगा उतना वो अपनी एनर्जी को लॉस होने से बचाएगा जिसके थ्रू क्या होगा कि थ्रू रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जेटिक लेवल चेंजेस कि जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल हमने रोटेशनल लेवल नहीं पढ़े हमने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पढ़े हैं और वाइब्रेशनल पढ़े हैं बेसिकली वाइब्रेशनल के अंदर एक और लेवल्स होते हैं जो तो छोटे लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ये रोटेशनल लेवल्स हैं ठीक है तो रोटेशनल लेवल्स होते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर एनर्जी कम से कम लॉस करेगा अगर मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड होगा वो अपनी एनर्जी को सेव करेगा वो अपनी एनर्जी को बचा के रखेगा रिजिड मॉलिक्यूल ठीक है इसीलिए हम कहते हैं कि रिजिड होने चाहिए मॉलिक्यूल्स फिर एनी सब्सिट्यूट ऑन अ लुमिनिस मॉलिक्यूल दैट कैन कॉज इंक्रीज वाइब्रेशन ऑन रोटेशन कैन क्वेंच द फ्लोरेसेंस अब उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉज कर रहा है इंक्रीज वाइब्रेशन और रोटेशन कैन क्वेंज द फ्लोरेसेंस के अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है ठीक है अगर कोई ऐसा सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है जो वाइब्रेशन और रोटेशन को बढ़ा रहा है तो यकीन वो फ्लोरिसेंस को कम करेगा ठीक है क्योंकि रोटेशन और वाइब्रेशन अगर बढ़ेगी तो बेसिकली उसके बढ़ने से क्या होगा हमारी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी फिर अद प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिस कंपाउंड्स अलाउ अलाओ डी लोकलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल अगर प्लेनर स्ट्रक्चर ना फ्लोरस कंपाउंड्स कम्पाउंड का डी लोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स की डी लोकलाइजेशन होती है तो लुमिनेशन का चांस बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकते हैं प्रॉपर लोकेशन टू रिलैक्स इन टू अ लोअर एनर्जी लोकलाइज्ड ऑर्बिटल ठीक है तो ये इस तरह का सीन है उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन डो नॉट लुमिनि ऐसे कंपाउंड जिनमें खाली सिंगल बॉन्ड हो वो लुमिनिसंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते ओइंग टू लैक ऑफ एबजॉर्ब्शन द प्रोप्रिएट रीजन एंड लैक ऑफ प्लेनर एंड रिजिड स्ट्रक्चर कि उनमें ना तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो होता है ना रिजिड स्ट्रक्चर होता है और उनके अंदर एब्जॉर्प्शन की कमी होती है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते उतना ठीक है जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं ठीक है उनमें एडिशन होती है तो बेसिकली इस तरह का ही आप सिनेरियो माइंड में रखें कि जो सेकंड डबल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ये बेसिकली एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर सकते हैं फोटोन्स वगैरह को ठीक है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डट डू लुमिनेसंस जनरली कंसिस्ट ऑफ रिंग्स विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन द आइटम्स इसमें यहाँ पर बात आप माइंड में सोच सकते हैं बेंजीन की कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेटिव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड uh, सॉरी अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एब्जॉर्ब अच्छी कर सकता है लुमिनेस भी अच्छी देगा दैस बी टू बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन इन द रिंग्स कॉज द डिजायर्ड प्लेनर स्ट्रक्चर के जो एस पी टू बॉन्ड्स होते हैं वो क्या करें प्लेनर स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए उसका कॉज बन रहे हैं यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ऐसे रिंग्स के अंदर एंड द आल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड की रिजिडिटी और अब जब आल्टरनेट करा है डबल बॉन्ड उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रिजिडिटी प्रोड्यूस हो रही है एंड प्रोवाइड द पाए इलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी फॉर लुमिनेशन और पाए अलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड करा है जो कि ज़रूरी है लुमिनेशंस के लिए ठीक है पाए इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी फॉर लुमिनेशन डैट्स वाई वी से दैट अ मोलिक्यूल दैट डजेंट हैव पाए अलेक्ट्रॉन्स और पाए बॉन्डस डो नॉट गिव लुमिनिटी ठीक है लुमिनिटी नहीं देता वो तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया है टेम्पेचर इफेक्ट कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब जो है मॉलिक द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरस इन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजे विद इंक्रीज़िंग टेम्परेचर ये बात हम पहले ही कर चुके हैं टेम्परेचर कम होगा तो क्वांटम यील्ड ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्वांटम यील्ड जो है वो कम होगी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एट एलिटेड टेम्परेचर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर डीएक्टिवेशन बाय एक्सटर्नल कन्वर्जन इंप्रूवड अब उन्होंने कहा कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो क्लेन ज़्यादा होंगी टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी क्लेन ज़्यादा होगी तो बेसिकली क्या होगा कि डीएक्टिवेटिंग जो है डीएक्टिवेशन जो है वो एक्सटर्नल कन्वेन के थ्रू ज़्यादा होगी बजाय कि फ्लोरिस सॉलवेंट इफेक्ट अब सॉलवेंट इफेक्ट क्या है कि जैसे आप सॉलवेंट की विस्कॉस्टी को कम करेंगे तो क्या होगा इंक्रीज़ द लाइकलीड ऑफ एक्सटर्नल टू द डिक्रीज इन क्वांटम एफिशिएंसी अब ये बात हम पहले भी कर चुके थे एक बार लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में थी कि सॉल्वेंट इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की तो क्वांटम यील्ड ज़्यादा होगी लेकिन अगर विस्कासिटी कम होगी तो क्वांटम हील्ड कम होगी अब यहाँ पर एक और फैक्टर आया उन्होंने कहा कि अगर डिक्रीज़ करता है ना आप विस्कासिटी अगर आपके सॉलवेंट की कम होती है तो सॉलवेंट की विस्कासिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर एक्सटर्नल कन्वर्जन होने लग जाएगी उसके अंदर क्वेंचिंग होने लग जाएगी उसमें कलैन स्टार्ट हो जाएंगी जिसकी वजह से क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाएगी फिर द फ्लोरेसेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिक्रीज बाय सॉल्वेंट कंटेनिंग हैवी आइटम की वही फिर दोबारा बात आ गई हैवी आइटम्स की कि अगर हैवी आइटम्स प्रेजेंट होंगे तो फ्लोरेसेंस कम होगी ठीक है उसके बाद है कार्बन टेट्रा टाइट्रामाइड एन एथाइल आर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है ये हैवी आइटम्स है जिनकी वजह से फ्लोरिसिन कम होगी द इफेक्ट इज सिमिलर टू वाटक्करी आइटम्स आर सबसे ड्यूटेड इन टू फ्लोरिसन कम्पाउंडस अब उन्होंने कहा है कि इफेक्ट सेम है जैसे हम जब हैवी आइटम को लगाते हैं फ्लोरिसिन कंपाउंड्स के अंदर इस तरह से यहाँ पर भी होगा कि क्या होता है हैवी आइटम लगाने की वजह से कि जो हमारे पास आइटम uh, होता है वो हैवी आइटम अर्ज करता है मॉलिक्यूल को कि स्पिन चेंज कर लो अपनी वो स्पिन चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में जंप कर लेगा और ट्रिपलेट के अंदर जाएगा तो फर्स्ट होगी फ्लोरेसेंस तो नहीं ना होगी ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी तो फ्लोरेशन में कमी आएगी जब वो ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा तो फर्स्ट के थ्रू फिर वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा फिर कंपाउंड कंटेनिंग हैवी आइटम्स आर फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन टू सॉलवेंट्स के ऐसे कंपाउंड जिनमें हैवी आइटम्स प्रेजेंट हो वो इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं सॉलवेंट्स के अंदर वन इन इन्हेंस इज डिजाइड ठीक है तो क्या होगा कि ये जो है वो फर्स्फोरिसंेंस को फेवर करेंगे अब हमारे पास पी एच पी एच के बारे में भी हमने पीछे छोड़ी छोटी सी बात की थी कि पी एच जो है वो इफेक्ट डालती है फ्लोरेसेंस के ऊपर क्या इफेक्ट था किस तरह से इफेक्ट होगा ये बात हम लोगों ने नहीं की थी वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोरेसेंस ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड विद एसिडिक रिंग सब्सिट्यूट इज यूजली पी एच डिपेंडेंट कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक रिंग सब्सिट्यूशन हो एसिडिक ग्रुप्स लगे हों सब्सिट्यूट हुए हों एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर वो मोस्टली पी एच डिपेंडेंट होता है किस तरह से कि बहुत वेवलेंथ एंड द इमीशन इंटेंसिटी आर लाइकली टू बी डिफरेंट फॉर द आयनाइज़ एंड नॉन आयनाइज फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड यानी कि आयनाइज फॉर्म और नॉन आयनाइज फॉर्म दोनों फॉर्म्स के अंदर जो उसकी इमीशन इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट इंटेंसिटी हिमिट होगी उसके बाद है द डाटा फॉर फिनोल एंड एनिलिन शोज इलस्ट्रेट दिस इफेक्ट ये आगे जाके आएगा द चेंजेस इन इमिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दिस टाइप अराइज फ्राम द डिफरेंट नंबर ऑफ रेजोनेट स्पीशीज दैट आर एसोसिएटेड विद द एसिडिक और बेसिक फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल अब उन्होंने कहा इमिशन ऑफ कंपाउंड में जो चेंज आ रहा है वो रेजोनेंस की वजह से आ रहा है रेजोनेंस स्पीशी की वजह से आ रहा है नंबर ऑफ़ रेजोनेंस स्पीशी जो है वो डिफरेंस है डिफरेंट है जिसकी वजह से एसिडिक और बेसिक फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में फ़र्क है ठीक है फिर उन्होंने कहा है कि एडिशनल रेजिनेस फॉर्म ले टू आर मोर स्टेबल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर रेजिनेस होगी ना उसकी वजह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्टेबल होगी फ्लोरसेंस इन द अल्ट्रा वॉलेट रेडिशन इन द कॉन्सिक्वेंस तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो uh, स्टेबल होगी उसकी वजह से फिर ही होगी क्योंकि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट स्टेट जो है वो स्टेबल होगी तो वो ट्रिपलेट में चेंज नहीं होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फ्लोरिसेंस नहीं होगी ही होगी तो ये फेवर कर रहा है दस क्लोज कंट्रोल ऑफ पी एच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिसंस स्टडीज फ्लोरिसंस के बारे में स्टडी करने के लिए हमें क्लोज स्टडी करने की जरूरत है नेक्स्ट हमारे पास है रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ एनिलीन एनिलीनियम आई अब इसमें क्या है बेसिकली यहाँ पर आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल है एनिलीन इसमें इसने अपने पहा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉन् पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यूज़ करते हुए यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लिया जिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो डेवलप हुए अब ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेट करेगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर और अगर आप लोग लास्ट वाला देखें तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन जो है वो ऊपर आ गए और नेगेटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास एंड में बना है एनिलीनियम आइन बट दिस एनिलीनियम आइन इज़ नॉट द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ एनिलीन ठीक है यहाँ पर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है एन थ्री पॉजिटिव है ये लेकिन ये रेजोनेंस फॉर्म नहीं है रेजोनेंस फॉर्म जो है एनिलिन की वो तीन ही है लास्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है तो प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफन रिड्यूज द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इन अ सल्यूशन ये हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि डिजोव्व ऑक्सीजन अगर होगी ना तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसिन जो है सोलूशन में कम हो जाएगी इसकी वजह से क्या होता है कि फोटोकेमिकली इंड्यूज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरिसिन स्पीशी होती है ये क्या करेगा ये इफेक्ट करेगा दिस इफेक्ट मे बी द रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकली इंड्यूज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरेसिनिंग स्पीसी जो फ्लोरेसिनिंग स्पीशी होंगे उनके अंदर इंड्यूज़ कर देगा ये ऑक्सीडेशन को ठीक है तो फोटोकेमिकली इंड्यूस ऑक्सीडेशन हो जाएगी उनमें जिसकी वजह से जो है फ्लोरिसिन फ्लोरिसिन मटेरियल जो है वो कम हो जाएगा और फ्लोरेसेंस नहीं होगी मोर कॉमनली हाव एवर द क्वेंचिंग टेक प्लेस एज अ कंसिक्वेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन अब मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है तो क्या होगा इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से क्वेंचिंग हो सकती है ठीक है विच प्रोमोट सिस्टम क्रॉसिंग जैसे क्वेंचिंग होगी कलेंस वगैरह स्टार्ट होंगे तो क्या होगा कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को प्रमोट करेगा और जैसे ही अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांसफर जैसे ही होगा मॉलिक्यूल तो ज़ाहिर है फ्लोरेसेंस होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और मॉलिक्यूल जो है वो डी एक्साइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्स्फोरिसंेंस अदर पैगमेन अदर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ ऑल्सो टेन टू क्वेंच फ्लोरेसेंस तो दूसरे पैरामैग्नेटिक जो स्पीशीज़ हैं अगर आप ऑक्सीजन के अलावा किसी और की भी बात करें और अगर वो प्रेजेंट हों ऐसे पैरा मैगनीटिक स्पीशीज़ तो उनकी वजह से भी यहाँ पर क्या होगी फ्लोरिसेंस में कमी आएगी और दूसरे मैथड्स यूज़ होंगे डीएक्साइटेशन के लिए तो बेसिकली ये थे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरिसेंस या फोटोलिमिनीसेंस होब्स आपको समझ आई होगी थैंक यू